एक्सीडेंट की तरफ हमको लेके जाती है। मैं इजाफा करना चाहूंगा, इस्लाम ने तो ये सिखाया कि जो हम होर्डिंग्स देखते हैं ना, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, राइट? तो डोंट ड्रिंक, ड्राइव निकाल दो, डोंट ड्रिंक एट ऑल, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। फाइनली क्या होता है कि कोई इंसान जो ड्राइव किया ड्रिंक करके, तो ड्रिंक किया हुआ है वो खुद के कंट्रोल में कितना है कितना नहीं है। और हम देखते हैं कि जितने भी ड्रंकार्ड्स भी होते हैं जिनका प्रॉब्लम बन गया है ड्रिंकिंग, वो कभी भी जिंदगी में जब उन्होंने शुरुआत की तो ये सोच के तो नहीं किया था कि मैं एक दिन जाके ड्रंकार्ड बनना चाहता हूँ। और जो अल्कोहल लेवल्स को दिखाया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि ये एक बहुत अहम बात है कि क्यों ये सिस्टम रहने दिया जा रहा है जबकि इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और हमारे एक्सीडेंट्स कितने सारे, और बहुत मेजर रीजन ड्रिंकिंग है ड्राइविंग में। और जहाँ इरादतन डेथ की बात है, जैसे मिसाल के तौर पर स्कॉलर्स ने यहाँ तक भी रूलिंग दी है, वो बताते हैं कि अगर कहीं पे रोड में स्पीड लिमिट्स है सेट, वो स्पीड लिमिट से ज्यादा आगे कोई बढ़कर चलाता है, विच ही शुड नॉट डू, और वो चलाता है और अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट के अंदर सामने वाला जो मरा है वो एक्सीडेंटल डेथ वाली बात नहीं है, ये मर्डर है। और अगर ये खुद मर गया, बोले मेरी जाने में कुछ भी करूं, जैसे आज के बहुत सारे नौजवानों में मिलता है जो एक काइंड ऑफ किक उन्हें लगता है उन्हें मिला फास्ट ड्राइविंग से, एक टाइप ऑफ कैसे क्या कहा जाता है कि बिल्कुल रगों में खून दौड़ने लगता है। तो यहां ये बात है कि इसमें अगर मर गए तो ये सुइसाइड, दिस इज सुइसाइड, क्योंकि तुम्हें पता था ये स्पीड लिमिट नहीं क्रॉस करनी थी, लेकिन ये अल्लाह के नजदीक, और अल्लाह के नजदीक हमें पता है कि सही बुखारी की हदीस है कि जो अपनी जान लेता है, जो खुद अपने आप को मारता है, ये जान हमारी दीवी नहीं, अल्लाह की दीवी है, अमानत है, उसे संभालना है, और नहीं संभालता है तो वो उसी तरह से जहन्नम की आग में अपनी जान बार बार लेता रहेगा। मतलब बार बार मरेगा तो जिंदगी तो खत्म नहीं होने वाली है क्योंकि हमेशा की जिंदगी है वो, लेकिन बार बार अपने आप को मारता रहेगा वो। तो हम ये देखते हैं कि ये एक चीज है जिससे लोगों को खास तौर से डरना चाहिए।